नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 18 कोरोना संक्रमित की मृत्यु, मंगल दिन और 45 से 24 नया संक्रमित, प्रदेश दो में 1 से 18 को खबर। अस्पतालक क्षमता के आधार में ओपीडी सेवा स्थगन कर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अस्पताल सबके निर्देशन, चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी के लंबा विदा नहीं देवा आग्रह। परसा में बृहस्पति दिन से लॉकडाउन है, अत्यावश्यक वाहक के सेवा बंद रहत। काठमांडू में बृहस्पति से लॉकडाउन निर्णय बाद सर्वसाधारण घर घूर रहल, बस पार्क सब में सर्वसाधारण के भीड़। आ उपत्यका में सार्वजनिक सवारी साधन में रोक लगेबाक निर्णय प्रति यातायात व्यवसायी असंतुष्ट, हवाई सेवा चालू का विभेद कायल गेल कहब। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 4524 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार बीतल 24 घंटा में पीसीआर एंटीजन दोनों विधि से कायल गेल परीक्षण में 4524 जना में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पीसीआर विधि से 14672 जना के परीक्षण कायल गेल पर 4346 जना में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एंटीजन विधि से 1009 जना के परीक्षण कायल गेला पर 160 जना में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तहिना काठमांडू उपत्यका में 1966 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि, जाहिमे से काठमांडू में 16 से 2, ललितपुर में 2 से 40 आ भक्तपुर में 1 से 24 रहल अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में 18 जना के जान गेल अछि। एहि संगे मृतक के संख्या 3194 पहुँचल अछि। देश भर कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 307925 पहुँचल अछि। तहिना नीक होवला के संख्या 278506 पहुँचल अछि। देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 26225 पहुँचल अछि। प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में 1 से 18 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय सोम दिन देने तथ्यांक अनुसार परसा में 65, धनुषा में 18, सप्तरी में 15, बारा में 12, महोत्री में 4, सिराहा में 3 आ सरलाही में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश दू में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 18639 पहुँचल अछि। परसा में पिछला 24 घंटा में 4 गोटे के जान गेल अछि। एहि संगे प्रदेश दू में कोरोना से जान गुमाबय वाला के संख्या 2 से 22 पहुँचल अछि। तहिना 17000 गोटे संक्रमण मुक्त भऽ चुकल अछि। एखन धरि 150799 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 163 स्वाब के नतीजा आबय बाकी अछि। प्रदेश दू में एखन 1417 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि, जाहिमे से सबसे बेसी परसा में 867, बारा में 171, धनुषा में 158, रौथट में 91, महोत्री में 49, सप्तरी में 44, सिराहा में 26 आ सरलाही में 11 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय बहिरंग सेवा ओपीडी स्थगन कर निर्देशन दिलक अछि। मंत्रालय मंगल दिन सब अस्पताल के पत्र लिखित उपलब्ध अस्पताल सैया जनशक्ति कोविड-19 संक्रमित बीमार के संख्या लगात के आधार में अस्पताल के बहिरंग सेवा इलेक्टिव सर्जरी लगात सेवा हाल के लिए स्थगित कर कहने अछि। मंत्रालय के सहप्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी एहि सेवा सबके बंद कयल गेलो पर आकस्मिक सेवा सुचारू राख जानकारी देलनि। ओ कोनो भी चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी के लंबा समय विदा नहीं देवा आ एहिसे पहिने लंबा विदा में रहल कर्मचारी के तुरंत कार्यालय में हाजिर होवा पत्राचार कर समेत निर्देशन देलक अछि। मंत्रालय कार्यरत जनशक्ति में से 50% जनशक्ति के आलो पालो निर्धारण कर सेवा व्यवस्थापन कर कहलक अछि। तहिना मंत्रालय अस्पताल के स्वीकृत दरबंदी अनुसार कोनो पद रिक्त भेल में तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापन कर आ रिक्त दरबंदी भेल 6 महीना करार में लेब के लिए कहलक अछि। मंत्रालय सघन उपचार कक्ष ICU तथा आकस्मिक उपचार संबंधी औजार आ ऑक्सीजन के व्यवस्थापन कर समेत सब अस्पताल के निर्देशन देलक अछि। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री एवं नेकपा एमाले के नेता टोप बहादुर राय मांझी में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। सोम दिन टेकू अस्पताल में कयल गेल परीक्षण में पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आयल। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री के प्रेस सलाहकार लीला जी से जानकारी देलनि। ओ मंत्री संग संपर्क में आयल सब के सजग रह आ परीक्षण कर सेहो आग्रह कयलनि। ओ एखन वीरेंद्र सैनिक अस्पताल छावनी में उपचार करा रहल सचिवालय जनौलक अछि। कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह आ पूर्व रानी कोमल शाह के नॉर्विक अस्पताल में उपचार भऽ रहल अछि। अस्पतालक अनुसार पूर्व राजा शाह आ पूर्व रानी कोमल के ऑक्सीजन के सहयोग में उपचार भऽ रहल अछि। अस्पताल मंगल के दोपहर जारी केने सूचना अनुसार कोरोना से संक्रमित के होवय वाला श्वास प्रश्वास के समस्या जटिल होवय नहि देबय पूर्व राजा आ पूर्व रानी के ऑक्सीजन के सपोर्ट में उपचार कराओल जा रहल अछि। पूर्व राजा रानी संगे अस्पताल भर्ना भेल
पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा शाह के ऑक्सीजन के सपोर्ट देव नहीं पड़ल अस्पताल सूचना में उल्लेखित कल तीनों जना के अवस्था सामान्य आ स्थिर रहा। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह किस दिन पहले भारत में भेल कुंभ मेला में सहभागी छला। परसा में बृहस्पति से निषेधाज्ञा लगेबाक निर्णय भेल। मंगल दिन बैसल जिला कोविड 19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के बैठक से परसा में बृहस्पति दिन से एक सप्ताह के लिए निषेधाज्ञा लगेबाक निर्णय भेल। प्रदेश दू में सबसे बेसी कोरोना संक्रमित रहल परसा में बृहस्पति दिन भोरे 4 बजे से निषेधाज्ञा लागत। निषेधाज्ञा बैसाख 22 गते रात 12 बजे धरि लागू होब के निर्णय भेल। जिला प्रशासन कार्यालय परसा के सूचना अधिकारी भीमकांत पौडेल जानकारी देलनि। सरकार काठमांडू उपत्यका में बृहस्पति दिन से निषेधाज्ञा जारी केला बाद उपत्यका छोड़कर घर फिरता जाय वाला के भीड़ लागल। सोम के साँझ बैसल मंत्रिपरिषद बैठक से काठमांडू उपत्यका में बैसाख 16 गते बृहस्पति दिन से निषेधाज्ञा जारी होब के निर्णय कल गया। वही संगे मंगल के भोरे से काठमांडू उपत्यका छोड़कर घर फिरता जाय वाला के भीड़ बढ़ल। खासकर कोटेश्वर नाका आ थानकोट नाका से उपत्यका छोड़ वाला के भीड़ बढ़ल। वही बाहेक बालाजू तरफ के नाका आ बल्खू नाका में समेत व्यक्ति सबक भीड़ लागल। सरकार काठमांडू उपत्यका में बृहस्पति दिन से लागू होब जका 2 सप्ताह के लिए निषेधाज्ञा जारी कल। सार्वजनिक सवारी साधन संचालन में रोक लगेबाक सरकार के निर्णय प्रति यातायात व्यवसायी सब असंतुष्टि व्यक्त कल। सरकार काठमांडू उपत्यका में बैसाख 16 गते से सार्वजनिक यातायात संचालन में रोक लगौलक तो आंतरिक हवाई उड़ान तत्काल नहीं रोकबाक निर्णय कल। अही निर्णय से विभेदपूर्ण भेल कहत यातायात व्यवसायी सब असंतुष्टि जनौलक। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के महासचिव सरोज सिटौला सरकार यातायात संचालन में रोक लगाव विभेदपूर्ण निर्णय के कहत सरकारी निर्णय के पुनर्विचार कर मांग कलन। हवाई उड़ान में जहां सार्वजनिक यातायात के सवारी साधन से हो जनस्वास्थ्य के मापदंड पालना को भेलो पर लंबा दूरी के सवारी साधन चलाब देव के जोड़ दिलन। सिरियो साहबलाई उहाँ स्वयंले र महासंघ तर्फबाट सुझाव पनि दिएको थियो, गृह सचिवलाई पनि र गृह मन्त्रालयलाई पनि हामीले सुझाव दिएका थियौँ। र यो यो निर्णयको चाहिँ नि सञ्चार माध्यममा आइरहँदा चाहिँ नि सामान्य प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका सचिवालयका टिमहरूलाई पनि र सम्बन्धित सबै सरकार हाम्रो मन्त्रालय यातायात मन्त्रालयलाई समेत सुझाव के दिएको थियो भने यदि साँच्चीकै अब यो लकडाउन गर्ने हो, कोभिडको यो साँच्चीकै आक्रान्त परिस्थिति हो, मानिस नै बस्न सक्ने कन्डिसन छैन, हस्पिटल आदि इत्यादि आइसोलेट के भन्छ स्वास्थ्य सम्बन्धीको उपकरणहरूको पनि परिस्थिति डमाडोलको कन्डिसन नै सुन्निएको परिस्थिति छ होइन। त्यस कारणले यस्तो परिस्थिति महासचिव सिटौला आन्तरिक उडान आ सार्वजनिक यातायातके विभेद कयल गेलापर यातायात सञ्चालनमे रोक लगबाक सरकारके निर्णयके स्वस्फूर्त रूपसँ अवज्ञा गरब बतौलन्। दिने वातावरण गराउँदा गर्ने सवारीलाई चाहिँ यसरी किन यसो गरिएको छ, यो म यो यो प्रश्न खोजिरहेको छु, यसको के अरे यसको जवाब खोजिरहेको छु, म अनुरोध गरिरहेको छु हामी सरकारलाई अरब अरब रूपमा यो सरकारको मात्रै दायित्व होइन, आम नेपाली 3 करोड नेपालीको चाहिँ दायित्व यो कोभिडसँग जुझ्नको लागि। दोस्रो चाहिँ असाध्यै भयानक छ, उहीँ छिमेकी राष्ट्र भारतमा हामीले सुझाव दिएका छौँ, छिमेकी राष्ट्र भारतमा दैनिक रूपमा 3-3.5 लाख चाहिँ 4 लाखको हारारीमा पुग्ने अवस्था कोभिडको परिस्थिति देखिरहेको, सङ्क्रमितको सङ्ख्या नेपालमा पनि सङ्क्रमित भत्तै आएर विभिन्न हस्पिटलमा नगएर हिजो काठमाडौँ बाहिरका दाङ लगायत पूर्व कोशी मेची विभिन्न ठाउँमा चाहिँ सडकमा चाहिँ उपचार। पछिल्लो वर्ष लम्बा समय बन्द भेलासँ यातायात क्षेत्र धराशायी भेल कहत व्यवसायी सब एहि वर्ष यातायात व्यवसायके बन्द गर्न नै हेत बताइ रहल अछि। सार्वजनिक यातायात बन्द का मात्रे कोरोना संक्रमण नै रोकत कहत ओ एहि के लेल सब पक्ष ओतबे जिम्मेवार होबमे जोड़ देलन। संसदीय समिति अस्पताल सबमे ऑक्सीजन सिलेंडर आ आईसीयू के अभाव होब नहीं देव सरकार के निर्देशन दिलक। प्रतिनिधि सभा के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के मंगल दिन के बैठक से कोविड 19 के बढ़त संक्रमण के संबंध में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय संग छलफल भेल। छलफल बाद समिति अस्पताल सबमे ऑक्सीजन आ आईसीयू के अभाव में बीमार सब छटपटा के मर के अवस्था अब नहीं देव, ऑक्सीजन सिलेंडर आ आईसीयू के व्यवस्था तुरंत कर मंत्रालय के निर्देशन दिलक। तहिना आइसोलेशन क्वारंटीन के व्यवस्थापन तीनों तह के सरकार के सक्रियता में तीव्रतापूर्वक कर से निर्देशन दिलक। नेपालगंज बीरगंज भैरवा लगात भारत संग सीमा जोड़ल गेल शहर सब आ कोविड 19 बेसी प्रभावित ठाम सब में दक्ष स्वास्थ्यकर्मी के यथासंभव जल्दी उपचार कर के निर्देशन दिलक। सरकार को सक्रियता में तीव्रतापूर्वक कर पर्ने 3 नंबर में नेपालगंज बीरगंज गद्दा नाका भैरवा लगायत भारतसँग सीमा जोडिएका सहरहरू र कोभिड-19 बढी प्रभावित ठाउँहरूमा दक्ष स्वास्थ्य कर्मीहरू यथाशीघ्र चाँडो पठाउनु पर्ने। 4 कोभिड बिरामीहरूको लागि सहज रूपमा एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने, किनकि यो एकदम गाह्रो भइरहेछ।
पीसीआर परीक्षण सहज बनाब के साथ एसएमएस व टेलीफोन मार्फत जल्दी नतीजा जानकारी करेबाक व्यवस्था मिलाब। विश्वभर फैल रहा नया वेरिएंट सहित के कोविड 19 के संक्रमण के रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए नेपाल सरकार 2078 बैसाख 6 गते जारी केने आदेश के कड़ाई के साथ कार्यान्वयन कर सेहो निर्देशन देल गेल। आइसोलेशन, क्वारंटीन, अस्पताल आ स्वास्थ्य चौकी सबके अत्यावश्यक औषधि आ स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध करेबाक व्यवस्था कर के अस्पताल सब में मास्क सैनिटाइजर के अति अभाव भेल कारण से ओ के तुरंत व्यवस्था कर के सरकारी आ निजी अस्पताल सब में कोविड 19 के उपचार में लागल दर रेट संबंधी नीति बना यथाशीघ्र लागू कर आ कारागार सब में मानवीय वातावरण सहित के बैसक के स्थिति निर्माण करत कोरोना आ अन्य स्वास्थ्य उपचार के व्यवस्था मिलाब से निर्देशन देल गेल। तहिना 2077 चैत 14 अगस्त समिति देने निर्देशन के लागू कर सेहो मंत्रालय के निर्देशित कैल गेल। प्रतिनिधि सभा के महिला तथा सामाजिक समिति निषेधाज्ञा के क्रम में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक ऊपर हो वाला हिंसा न्यूनीकरण के लिए समय में प्रबंध मिलाब सरकार के निर्देशन दिलक। समिति के मंगल दिन बैसल बैठक से निषेधाज्ञा के समय में महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक फरक रूप से सबल तथा लैंगिक अल्पसंख्यक के ऊपर हो वाला हिंसा नियंत्रण के लिए पूर्व तैयारी कर गृह मंत्रालय, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय आ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के निर्देशन देल गेल। साथे समिति लिंग वर्ग मैत्री क्वारंटीन के प्रबंध समय में मिलाब सेहो निर्देशन देल गेल। मैले सुनेको एउटा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन 60-70 लाख रुपैयाँ लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ नि यहाँहरूले व्यवस्था गर्नै पर्छ। थुप्रै अस्पतालका अक्सिजन प्लान्टहरू चाहिँ बिग्रेको अवस्थामा छन्, त्यसलाई अलिकति इन्जेक्ट गर्यो भने चाहिँ सञ्चालन हुने अवस्थामा छन् भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसो हो भने त्यसलाई बढाउनु पर्छ, अक्सिजन प्लान्टहरू थप्नै पर्छ। म्यासिभली कम्युनिटी बेसमा तपाईँले ट्रेसिङहरू बढाउनु पर्छ, यो चाहिँ टेस्टहरू बढाउनै पर्छ। अघिल्लो जतिको पनि टेस्टहरू बढ्या म देख्दिनँ। अहिले जति मानिसहरू चाहिँ नि यो सङ्क्रमित छन् प्रायः उनीहरू सिम्टम देखेर आफै चेक गर्न गएका मानिसहरू हुन्। सरकारले पुरा एक्टिभ भएर कम्युनिटीमा गएर तल तल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर ल्याएको जस्तो डाटा मलाई लाग्दैन। त्यस कारण यहाँहरूले यो चाहिँ बढाउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो देशभरिका भेन्टिलेटर, अक्सिजन, अस्पताल बेडहरूको चाहिँ नि पब्लिक अडिट चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्छ। डे टु डे त्यो एउटा चाहिँ रिपोर्ट दिनुपर्छ, हामीसँग कति भेन्टिलेटर खाली छन्, कुन अस्पतालमा खाली छ। बैठकमे समिति सदस्य ध्रुव कुमार शाही के संयोजकत्वमे कर्णाली प्रदेश के विभिन्न जिला सबमे महिला बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक पिछड़ल वर्ग तथा अपांगता संबंधी विद्यमान अवस्था आ संबंधित कानून के कार्यान्वयन के अवस्था संबंध में कैल गेल स्थलगत अध्ययन ऊपर से छल फल भेल छल। अध्ययन भ्रमण के विस्तृत प्रतिवेदन समिति के आगामी बैठक में प्रस्तुत करबाक निर्णय भेल। हरेक साल चैत शुक्ल पूर्णिमा के दिन लागै वाला बालाजू बाईसथारा मेला कोविड 19 संक्रमण के जोखिम के कारण एहि वर्ष स्थगन भेल। मेला में लाखों के संख्या में भक्तन सब एवाक आ कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ लगला बाद मेला स्थगन कैल गेल बालाजू बाईसथारा उद्यान बतौलक। उद्यान के कार्यालय प्रमुख दामोदर लामा मेला लगला पर भीड़ भाड़ हेबाक आ संक्रमण बढ़ के जोखिम भेला से मेला स्थगन कैल गेल बतौलन। बीतल वर्ष सेहो कोविड संक्रमण के जोखिम नियंत्रण के लिए सरकार लॉकडाउन के कारण मेला लागा नहीं सकल छल। आइ सेहो किछु भक्तजन सब पूजा आजा के लेल बाईसथारा पहुँचल भेलो पर उद्यान में प्रवेश कर पूर्ण रूप में रोक लगाओल गेल। लामा बतौलन बाईसधारा में सर्वसाधन के प्रवेश रोक लगाओल गेल बाद दर्शनार्थी उद्यान बाहर से पूजा कर रहल अछि। ऐतिहासिक एउटा पार्क भी हो, यहाँ विभिन्न खाले आज को पूर्णिमा के दिन विभिन्न भक्तजन यहाँ आने तर यह विभिन्न अब एउटा राज्यको एउटा निर्देशन पनि हो हैन। कोभिड कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ त उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ 1-1.5 लाख के भक्तजन आउनुहुन्छ। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ भिडभाड हुने हुँदा त्यो भिडलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ आजको लागि चाहिँ हामीले यो बालाजु बाईसधार उद्यान चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो प्रवेशद्वार चाहिँ आज बन्द गरेको छ। यसबाट गर्न पर्न गएको चाहिँ असुविधाप्रति चाहिँ हामी यस काठमाडौँ महानगरपालिका तथा आइ के दिन बाईसधारा में स्नान क दिवंगत के नाम में बत्ती बारह के परंपरा रहल। आही दिन नुआकोट के कडलचौक भगवती के सेहो बालाजू में आनि के एत रहल सेतो पाटी में राखि हवन तथा रांगा के बलि देव के प्रचलन रहल। तहिना आई भोरे नागार्जुन वन में रहल जामाचोर डाडा में पहुँच क बालाजू फिरता आबि के बाईसधारा में स्नान कर के परंपरा रहल। तहिना बाईसधारा में नहेला बाद मनमैजू देवी के दर्शन क अपन मनोकामना पूरा हेबाक धार्मिक जनविश्वास रहल।
उदयपुर के त्रियुगा नगरपालिका स्थित गायघाट बाजार से ब्राउन शुगर सहित दू युवा के प्रहरी पकड़लक। जिला प्रहरी कार्यालय उदयपुर के अनुसार ब्राउन शुगर सहित पकड़ायल में त्रियुगा नगरपालिका 3 के 34 वर्षक श्याम कुमार चौधरी आ वही स्थान रह वाला 28 वर्षक रेवत खाती रहल के साथ से 200 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद कैल गेल। अंतिम हेडलाइंस एक बेर फिर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 18 कोरोना संक्रमित की मृत्यु, मंगल दिन और 45 से 24 नया संक्रमित, प्रदेश 2 में 118 गोटे खटाल। अस्पतालक क्षमता के आधार में ओपीडी सेवा स्थगन कर, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अस्पताल सब के निर्देशन, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी के लंबा विदा नहीं देवा आग्रह। परसा में बृहस्पति दिन से लॉकडाउन हैत, अत्यावश्यक वाहक के सेवा बंद रहत। काठमांडू में बृहस्पति से लॉकडाउन के निर्णय बाद सर्वसाधारण घर घूर रहल, बस पार्क सब में सर्वसाधारणक भीड़। आ उपत्यका में सार्वजनिक सवारी साधन में रोक लगेबाक निर्णय प्रति यातायात व्यवसायी असंतुष्ट, हवाई सेवा चालू कर विभेद कैल गेल कहब। बेस्त अपन समाचार एखन लैत पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।